हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टाफ। सिविल स्टाफ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे द डेली करंट अफेयर्स ऑफ 4th ऑफ अक्टूबर 2023। तो 4th ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं सबको गुड इवनिंग, एंड प्लीज सभी स्टूडेंट्स कन्फर्म कर दीजिएगा कि मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर आ रही है, स्क्रीन आप लोगों को प्रॉपर विजिबल है, एक बार कन्फर्म कर दीजिएगा, देन हम आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सब कुछ ओके है, कंफर्मेशन मिल चुका है। और सेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिविल स्टाफ के जो इनिशिएटिव्स हैं इनके बारे में, एचपी टीजीटी का जो नया बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 9th ऑफ अक्टूबर से। जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, 9th ऑफ अक्टूबर से शुरू होगा। हाँ जी, फायदा मैं आप लोगों का कर देता हूँ। फायदा ये है, कोड लिख रहा हूँ, अप्लाई कर लेना, ठीक है। बट पहले ही बता रहा हूँ 8 अक्टूबर तक चलेगा। 8 अक्टूबर के बाद आकर ये मत बोलना कि सर डिस्काउंट दे दो, नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये अर्ली बर्ड अर्ली ऑफर होता है। सो जिसने ज्वाइन कर लिया कर लिया। सो टीजीटी 10 कैपिटल में टाइप कर लेना, मिल जाएगा डिस्काउंट। उसी के साथ साथ पीजीटी की बात कर लेता हूं, पीजीटी में दे रहा हूं पीजीटी 20, 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्लाई कर लेना ज्वाइन करने से पहले, 5 तारीख से कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे करंट अफेयर्स की। और सबसे पहला करंट अफेयर हमारा आता है नेचर के बारे में, नेचर, कुदरत। तो कुदरत की जब हम बात करते हैं तो कुदरत के लिए भी एक दिन हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज वर्ल्ड नेचर डे। तो वर्ल्ड नेचर डे हर साल 3 अक्टूबर को हम मनाते हैं, 3 अक्टूबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है, 3rd ऑफ अक्टूबर को। और अगर मैं बात करता हूं वर्ल्ड नेचर डे की, तो देखिए वर्ल्ड नेचर डे की जो शुरुआत है वो वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी। वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन जो कि 2014 में एस्टैब्लिश होती है, और वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा में है। जिनीवा कहां पड़ता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर इंडिया नहीं है, इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया हुआ, भारत देश इसका हिस्सा नहीं है। और अब थीम की बात कर लेते हैं, जो थीम रहा 2023 के वर्ल्ड नेचर डे के लिए वो ये रहा, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड द सस्टेनिंग पीपल एंड द प्लेनेट। ये थीम यहां पर रखा गया, ये थीम यहां पर रखा गया। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। पीजीटी हिस्ट्री सुमन मैम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए सो यहां पर हम बात करते हैं थीम की, तो फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड ध्यान रखिएगा। चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ बात करते हैं, स्पेस वीक। द स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हुए वर्ल्ड स्पेस वीक यहां पर ऑब्जर्व किया जा रहा है, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस वीक। ये 4 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, यानी कि आज से, और 10 अक्टूबर तक हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, ये इंटरनेशनल, और वी कैन से दैट वर्ल्ड स्पेस वीक। और इसकी जो शुरुआत है वो 1999 में होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और वर्ल्ड स्पेस वीक दुनिया में स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी को हाईलाइट करता है, उसकी जो महत्व है उसको बताता है भारत के लोगों को, दुनिया के लोगों को। देखिए इसकी शुरुआत कहां से होती है, 4 अक्टूबर का दिन चूज क्यों किया गया इसकी शुरुआत के लिए, क्योंकि जो सोवियत यूनियन था उसने ह्यूमन मेड मिशन, पहला ह्यूमन मेड मिशन जो है वो भेजा था, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। क्लियर? तो स्पुतनिक 1 को 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था, जो इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वर्ल्ड स्पेस वीक की वो यहीं से आती है, जब सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया था, जो कि पहला ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट था। ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट जो थी पहली, स्पुतनिक 1, इसको लॉन्च किया गया था बाय द सोवियत यूनियन। चलिए और यूनाइटेड नेशन की जो स्पेस ट्रीटी है ये 10 अक्टूबर को 1967 को साइन की गई थी, इसीलिए हम इसको 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक बनाते। थीम क्या रहा 2023 के वर्ल्ड स्पेस वीक का, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये थीम रहता है यहां पर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ, सुधा मूर्ति, द वेरी फेमस पर्सनालिटी और बहुत ही महान शख्सियत है ये। सबसे पहले तो मैं आपको इनके बारे में एक और चीज बता देता हूं, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है ना ऋषि सुनाक, ये उनकी सासू माँ है, ये उनकी सासू माँ है। बट ये फेमस इसलिए नहीं है कि उनकी सासू माँ है, वो फेमस है क्योंकि ये तो बाद में फेमस हुए हैं, और सॉरी ये तो पहले से फेमस है, वो फेमस है इनकी वजह से, आप ये कह लो, ठीक है, कि यूके के प्राइम मिनिस्टर तो वो बाद में बने और बाद में फेमस हुए, उससे पहले इनके दामाद है और इसलिए फेमस है। ये है सुधा मूर्ति जी, द को फाउंडर ऑफ इंफोसिस कंपनी, और बहुत ही महान शख्सियत है, किताबें भी लिखती हैं, ऑथर भी हैं,
सुधा मूर्ति जी, सुधा मूर्ति जी को फर्स्ट सुधा मूर्ति जी को मिलता है ग्लोबल इंडियन अवार्ड, और एस अवार्ड को रिसीव करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनती है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन और द फर्स्ट वुमेन, नॉट ओनली इंडियन वुमेन, द फर्स्ट वुमेन टू गेट द ग्लोबल इंडियन अवार्ड। देखिए ये ग्लोबल इंडियन अवार्ड जो है ये कनाडा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन, कनाडा इंडिया फाउंडेशन। कनाडा के साथ आज हमारे रिश्ते जो है वो आप सबको पता कैसे चल रहे हैं, फिर भी कनाडा में वर्क कर रही डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने महान शख्सियत सुधा मूर्ति जी को अपने ग्लोबल अवार्ड के लिए चूज किया, अपने ग्लोबल इंडियन अवार्ड के लिए चूज किया, क्लियर। और ये आप सबको पता होगा एन आर नारायण मूर्ति जो हैं इंफोसिस के को फाउंडर, ये उनकी पत्नी है, उनकी बीवी है, ठीक है जी, सुधा मूर्ति जी, सुधा मूर्ति जी, इनको इस अवार्ड के लिए चूज किया गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सेम अवार्ड 2014 में नारायण मूर्ति को भी मिल चुका। सो वी कैन से डेट, हम ये भी कह सकते हैं ये पहले शादीशुदा जोड़ा बना है, पहला कपल बना है जिनको सेम ये वाला अवार्ड मिला हो दोनों को, द ग्लोबल इंडियन अवार्ड, द ग्लोबल इंडियन अवार्ड। इस अवार्ड में $50,000 मिलते हैं, कैनेडियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर यहां पर दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किसी को कोई सवाल तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगला करंट अफेयर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023 अनाउंस कर दिया गया है, मैंने कल भी बताया था। सो ये तीन और तीन पर्सन को मिलता है, दो मेल है एक फीमेल है, ठीक है जी। सो बात करते हैं, यह है पियारे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस्ट एंड एन ए एल ह्यूलियर। एन ए एल ह्यूलियर इसी के साथ साथ पांचवी महिला बनती है, फिफ्थ वुमेन बनती है जिनको फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला हो। एंड इनको नोबेल प्राइज क्यों दिया गया, किस चीज की इन्वेंशन के लिए इनको दिया गया है, दैट इज फॉर द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एटोसेकंड्स पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायनामिक इन मैटर। इसके लिए इनको ये पुरस्कार जो है दिया गया है। ये जो पियारे एगोस्टिनी है ये ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस से बिलोंग करते हैं, फेरेंक क्रॉस जो है ये मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स से बिलोंग करते हैं, दैट इज इन जर्मनी, और एन ए एल ह्यूलियर जो है ये स्वीडन से बिलोंग करती है। अब नोबेल प्राइज के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखिए नोबेल प्राइज में इनको क्या मिलेगा, इनको 11 मिलियन स्वीडिश क्रॉन मिलेंगे, 11 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर इनको दिया जाएगा, और वी कैन से दैट $1 मिलियन जो कि इन तीनों में बटेगा, जो कि इन तीनों में बटने वाला है। अब फिजिक्स के नोबेल प्राइज के कुछ पुराने तथ्य जान लेते हैं। 117 नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स में आज तक दिए जा चुके हैं, उसके साथ साथ 47 फिजिक्स प्राइज जो है ये एक ही व्यक्ति को मिले, जैसे इस बार तीन व्यक्ति को मिले हैं, तीन पर्सन को दिया गया अवार्ड, किसी बार ऐसा हुआ कि दो को मिला, किसी बार ऐसा हुआ एक को मिला, तो 47 ऐसे अवार्ड थे जो सिर्फ एक पर्सन को ही दिए गए। पांच महिलाएं आज तक जो अवार्ड जीत चुकी है फिजिक्स में जो प्राइज है, सबसे पहले मैरी क्यूरी की बात करूंगा 1903 में, उसके बाद मारिया जियोपेट मैर 1963, डोना स्ट्रिकलैंड 2018, एंड्रिया गेस 2020 और एन ए एल ह्यूलियर 2023 2023 के अंदर। जॉन बार्डीन जो है ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जो है वो दो बार मिल चुका है, जी हाँ दो बार ये अवार्ड जीत चुके हैं। और अगर मैं बात करता हूं लॉरेंस ब्रैग की, लॉरेंस ब्रैग 25 साल के थे जब इनको नोबेल प्राइज दिया गया, और ये सबसे यंगेस्ट फिजिसिस्ट बनते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स को रिसीव करने वाले, सबसे यंगेस्ट। 1915 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। और इसके साथ साथ आर्थर एशकिन सबसे ओल्डेस्ट, ये इनकी आयु 96 साल की थी, 96 ईयर्स की थी जब इनको ये नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया, क्लियर। किसी को कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लास में लाइक वाला बटन नहीं दबाते हो, पता नहीं किस बात से शर्माते हो आप लोग। चलिए बाबा साहेब अंबेडकर का सबसे बड़ा स्टैचू जो है यहां पर लगाया जा रहा है, दैट इज आउटसाइड इंडिया की बात करूंगा मैं, द लार्जेस्ट अंबेडकर स्टैचू इन नॉर्थ अमेरिका टू बी अनवील्ड ऑन द October 14, 14 अक्टूबर को इसको लगाया जा रहा है। देखिए बाबा साहब अंबेडकर का जो जन्म है वो 14 अप्रैल को होता है, हम सब जानते हैं 14th of April को। अभी अक्टूबर 14 को इनका 19 फीट का स्टैचू जो है, जिसको हम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दे रहे हैं, इसको लगाया जा रहा है, ठीक है, राम सूत्र जी के द्वारा इसको बनाया गया है, इसको लगाया जा रहा है यहाँ पर। अब बात करते हैं कहाँ पर लगाया जा रहा है, यूएस के अंदर ये मैरीलैंड नेम का प्लेस है, यहाँ पर इसको लगाया जा रहा है मैरीलैंड के अंदर। और इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है ये वर्क करेगी इसको लगाने के लिए, और इस प्रोजेक्ट को
अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है। 19 फीट का स्टैचू है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इसको बोला जा रहा है, राम सूत्र जी ने बनाया है। बाबा साहब अंबेडकर का स्टैचू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जनक माने जाते हैं और मैरीलैंड के अंदर 13 एकड़ जमीन पे इसको लगाया जाएगा। 132वां बर्थ एनिवर्सरी भीमराव अंबेडकर का 14 अप्रैल 2023 को हमने मनाया था अंबेडकर जयंती के तौर पर। और ये भारत के पहले मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। और आपको ये भी बताना चाहिए इनकी बहुत सारी किताबें हैं, इनकी किताबें यहाँ पर दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबें इनके द्वारा जो लिखी गई है वो यहाँ पर बताई गई है, यू कैन रीड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ, द सैला टनल की बात करते हैं। देखिए सैला टनल जो है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है और अरुणाचल प्रदेश का जो तवंग डिस्ट्रिक्ट है, ये तवंग डिस्ट्रिक्ट को रेस्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश के साथ कनेक्ट करती है। अब देखिए तवंग डिस्ट्रिक्ट दैट इज नियर द बॉर्डर, ये इंडो साइनो बॉर्डर के आसपास पड़ता है, यानी कि बॉर्डर के किनारे है। और पूरा साल जब यहाँ पर बर्फबारी पड़ती है पूरे साल में, तो बर्फबारी की वजह से ये जो रास्ता है बंद हो जाता है। तो भारत सरकार के तहत बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर एक टनल बनाई है। 12 किलोमीटर का ये रास्ता है, टनल को मिलाकर सारा रास्ता 12 किलोमीटर का है। और ये 12 किलोमीटर का रास्ता अब कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए पूरी तरह ओपन रहेगा। सो अब तवंग डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का, उसको पूरे अरुणाचल प्रदेश के साथ कनेक्टिविटी मिल सकेगी। और आपको ये भी बताना चाहिए कि इस साल के एंड तक हो सकता है कि इसका इनॉग्रेशन कर दिया जाए, क्योंकि 96% इसका वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, दैट इज सैला टनल। क्लियर? ये जो सैला टनल है ये 4200 मीटर, जिसको मैं कहूंगा यानी कि 13800 फीट की इस सैला पास के ऊपर बनाई गई है। क्लियर? ये तवंग डिस्ट्रिक्ट को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है और सेफ्टी मेजर्स भी यहां पर इंस्टॉल किए गए हैं, यहां पर प्रॉपर सुरक्षा का ध्यान करके सब चीजें लगाई गई है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम बिहार के अंदर कास्ट सर्वे की। तो बिहार के अंदर अभी जाति को लेकर एक सर्वे किया गया, ठीक है, बिहार कास्ट सर्वे, जिसके तहत पाया गया कि बिहार में बैकवर्ड कास्ट जो है वो 27% है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट 36% है, स्कड्यूल कास्ट 19% है, स्कड्यूल ट्राइब्स 1.68% और जनरल कैटेगरी के लोग हैं 15%। ये डाटा यहाँ पर कहता है। सो कास्ट बेस्ड सर्वे जो है बिहार में 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था। सेंसस जो है 2 फेजेस में ऑर्गेनाइज करी गई। तो ये बताया गया कि बिहार के अंदर 214 कास्ट के लोग रहते हैं, 214 कास्ट जो है इसके लोग बिहार राज्य के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब सब सेक्शन की बात करते हैं, तो यादव लोग कितने हैं 14.26%, ब्राह्मण कितने हैं 3.66%, राजपूत कितने हैं 3.45% एंड कायस्थ कितने हैं 0.6%। और बिहार के इस कैस्ट सर्वे ने बता दिया कि बिहार की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 13.07 करोड़, ये यहां पर बता दिया गया। और बिहार के सरकार ने 500 करोड़ रुपया खर्च किया है इस सेंसस को करवाने के लिए, इस छोटी सी जनगणना को करवाने के लिए, 13 करोड़ लोगों को गिनने के लिए, उनकी जातियां गिनने के लिए 500 करोड़ राज्य की इतनी इंपॉर्टेंट संपत्ति का खर्च कर दिया गया फॉर द कंटीजेंसी फंड। देखिए कंटीजेंसी फंड क्या होता है, ये एक इमरजेंसी काइंड ऑफ फंड होता है, कंटीजेंसी फंड। और बिहार की पॉपुलेशन यहां पर जैसे मैंने अभी बताई है, दैट इज 13,07,25,310 जो है यहां पर बताई गई है। 2011 की जनसंख्या के आधार पर बिहार की जो पॉपुलेशन थी वो 10.41 करोड़ थी, यानी कि लगभग 3.25 करोड़ पॉपुलेशन जो है बिहार के अंदर बढ़ चुकी है 2011 से लेकर 2023 तक। क्लियर? चलिए, सो ये पॉपुलेशन को लेकर ये सेंसस यहां पर बिहार के अंदर कंडक्ट किया गया, कास्ट बेस्ड पॉपुलेशन। नेक्स्ट, आयुष बोर्ड जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर सेटअप किया जाएगा, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार इसको सेटअप कर रही है, आयुष बोर्ड। तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि सेपरेट बोर्ड जो है जो डिफरेंट विंग्स को आयुष के ऑपरेट करेंगे, जैसे कि होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा, ये सब एक ही बोर्ड के अंदर काम करेंगे, दैट इज आयुष। देखिए आयुष हमारा जो डिपार्टमेंट है, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश के अंदर। सो आयुष एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, आयुष बोर्ड, उसी के तहत ये सारे डिपार्टमेंट वर्क करेंगे। क्लियर? ये वर्क करने वाले हैं। तो कौन से राज्य की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ये ऐसा इनिशिएटिव ले रही है। आगे बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया ने स्टार्ट कर दिया है साउथ ईस्ट एशिया का पहला हाई स्पीड रेल ऑपरेशन। हाई स्पीड रेल ऑपरेशन की शुरुआत यहां पर इंडोनेशिया में जकार्ता में की जाती है और इस रेलवे को नाम दिया गया वूश। इसको नाम दिया गया वूश। वूश बेसिकली एक एक्रोनियम है जिसका मतलब होता है टाइम सेविंग, समय का बचाव, ऑप्टिमल ऑपरेशन, रिलायबल सिस्टम, यह मतलब होता है इंडोनेशियन भाषा में वूश का।
अब इंडोनेशिया ने साउथ ईस्ट एशिया का पहला हाई स्पीड रेल जो है वो ओपन कर दिया है, और जो ट्रेन जो है जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की पुरानी कैपिटल है इसको कनेक्ट करती है सिटी ऑफ बैंडुंग से, जो और यहां से 600 पैसेंजर को लेकर गई है 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे, वूश वूश। सो दिस इज इंडोनेशिया का जकार्ता, दैट इज यहां से लेकर, ये रहा जकार्ता, ये रहा बैंडुंग, यहां से लेकर यहां तक ये ट्रेन जो है चलाई गई। नेक्स्ट बात करेंगे तरुण सोबती साहब की। तरुण सोबती जो है ये वाइस एडमायरल अपॉइंट कर दिए गए हैं, वाइस एडमायरल तरुण सोबती जो है इनको डेप्टी चीफ अपॉइंट कर दिया गया है नेवल स्टाफ का, द वरुण सॉरी तरुण सोबती द नेवल स्टाफ डेप्टी चीफ, डेप्टी चीफ इनको अपॉइंट कर दिया गया है। अगले करंट अफेयर की बात करते हैं तो नेशनल टाइक्वांडो चैंपियनशिप जो है ये उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज की जा रही है, 5 अक्टूबर यानी कल से शुरू होगी, 8 अक्टूबर तक चलेगी नेशनल टाइक्वांडो चैंपियनशिप। टाइक्वांडो चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश में नोएडा के अंदर ऑर्गेनाइज की जाएगी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नोएडा के अंदर। चलिए आगे बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु की जो सरकार है दैट इज एम के स्टेलिन की सरकार, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जितने भी इसरो साइंटिस्ट तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं इन सबको हम अवार्ड देंगे। तो 25-25 लाख रुपए की राशि जो है अनाउंस कर दी गई है 9 इसरो साइंटिस्ट को जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इंक्लूडिंग द चेयर पर्सन ऑफ द इसरो डॉक्टर के सिवान, क्लियर, फॉर्मर चेयरपर्सन मैं कह सकता हूँ, के सिवान को इंक्लूड करके के सिवान को पैसा दिया गया 25 लाख रुपए। इसके साथ साथ यहाँ पर उसके साथ साथ माइल स्वामी अनुड्राई को पैसा दिया गया जो कि डायरेक्टर ऑफ इसरो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के वी नारायणन, इसरो लॉन्च ऑथोराइजेशन बोर्ड चीफ ए राजा राजन, डायरेक्टर ऑफ यू आर राव सैटेलाइट सेंटर एम शंकरन, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स डायरेक्टर जे आसिर पकीराज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान टू लोनार मिशन वी वनीथा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ आदित्य L1 मिशन निगर निगार शाहजी, और चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वी पी वीरामुथुवल जो है, इन सबको 25-25 लाख रुपए की राशि जो है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अजय जडेजा, भारत के बेहतरीन क्रिकेटर अजय जडेजा जी का नाम अब आ गया है, ये अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बन रहे हैं। देखिए अभी हाल ही में अक्टूबर में ही भारत देश के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है द क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ 2023, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत देश के अंदर से शुरू होने वाला है, और इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान टीम के जो मेंटर रहेंगे वो रहेंगे अजय जडेजा, अजय जडेजा। चलिए आगे बात करते हैं द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का अंडर 19 चैंपियनशिप जो है ये भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत लिया है, भारत ने पाकिस्तान को हराकर इस खिताब को जीत लिया है, और यह भारत का 8वां यूथ टाइटल बनता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप के अंदर, भारत ने पाकिस्तान को हराकर ये जीता। और दोस्तों इसी के साथ साथ आज का हमारा जो करंट अफेयर है इसकी समाप्ति होती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई भी सवाल या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी भी तरह का, और अगर सब कुछ क्लियर है तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, देन हम एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी क्लास देख रहे हो, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक वाला बटन दबा दिया करो। चले बढ़ते हैं आगे एमसीक्यूज की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यू ये रहा, वर्ल्ड नेचर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड नेचर डे कब होता है। तो देखिये नेचर को लेकर एक दिन हम ऑब्जर्व करते हैं दुनिया भर में, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं नेचर को प्रमोट करते हुए, सो कब होता है। Everyone should answer. हर बच्चा आंसर करेगा, बहुत बढ़िया, 3 अक्टूबर को होता है, 3rd of October को हम नेचर डे ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड नेचर डे। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, विच स्टेट विल होस्ट द सेकेंड नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप। हाँ जी, कौन सा राज्य जो है वो सेकेंड नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप को होस्ट कर रहा है। तो ये राज्य और कोई नहीं, ये राज्य है उत्तर प्रदेश, नोएडा में हो रही है, ये कहां पे हो रही है, नोएडा के अंदर हो रही है उत्तर प्रदेश में। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला सवाल, कौन सा देश है जिसने साउथ ईस्ट एशिया का पहला हाई स्पीड रेलवे ऊष लॉन्च किया है। हाँ जी, हाई स्पीड रेलवे लॉन्च किया है जिसका नाम है ऊष, भूष। कौन सा साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है, दिस इज इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। हाँ जी, नेक्स्ट है, हु इज द वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ किसको अपॉइंट किया गया, डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के तौर पर किसकी नियुक्ति होती है। तो ये और कोई नहीं, ये कौन है,
तरुण सोबती, तरुण सोबती, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आप लोग आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छे। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो मैन अंडर 19 चैंपियनशिप है ये भारत ने जीत लिया, बट किस कंट्री को हराकर जीता, किस देश को हराकर भारत ने ये खिताब जीता है? तो भारत ने पाकिस्तान को हराया, बांग्लादेश को हराया, जापान को हराया या चाइना को हराया? तो भारत ने हराया पाकिस्तान को। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। आयुष बोर्ड जो है कौन सा राज्य बनाने की बात कर रहा है, किस राज्य ने बोला कि हम आयुष बोर्ड बनाएंगे, आयुष बोर्ड बनाएंगे, किस राज्य की बात है ये? बहुत अच्छे, ये है उत्तर प्रदेश, यूपी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आउटसाइड इंडिया इन विच कंट्री विल द लार्जेस्ट स्टेच्यू ऑफ बी आर अम्बेडकर बी अनवील्ड, भारत से बाहर किस देश के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर का सबसे बड़ा स्टेच्यू लगाया जा रहा है, बताइए जल्दी से। ये मैरीलैंड में लगाया जा रहा है, जो कहां पड़ता है, यूएसए में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए सैलापास जो है किस राज्य में पड़ता है, सैलापास, अभी हमने बात करी थी सैलापास का जो 96% कार्य है वो पूरा हो चुका है, तो सैलापास कहां पर पड़ता है ये आपको बताना है। तो सैलापास दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल, वर्ल्ड स्पेस वीक ऑफ 2023 का थीम क्या था, वर्ल्ड स्पेस वीक ऑफ 2023 का थीम बताना है आप सभी को। तो वर्ल्ड स्पेस वीक ऑफ 2023 का थीम दोस्तों रहता है स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इनमें से किसको ग्लोबल इंडियन अवार्ड से नवाजा जा रहा है बाय द कनाडा इंडिया फाउंडेशन, द ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय द कनाडा इंडिया फाउंडेशन किसको दिया जा रहा है, एंड ये फर्स्ट वुमेन बनी है इस अवार्ड को रिसीव करने वाली, दिस इज सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ आज के करंट अफेयर्स की क्लास की समाप्ति होती है, और मैं उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आ गया होगा, किसी को कोई सवाल या डाउट होगा यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का क्लास में जुड़ने के लिए, क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।